चलिए एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, तनीषा गुप्ता जो कि लखनऊ से हैं और इनका ऑल इंडिया 156 रैंक है और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। तो तनीषा सबसे पहले तो आपको इस रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तनीषा के बारे में बता दूं कि तनीषा ने ड्रॉप लिया था और ड्रॉप लेके प्रिपरेशन की, तो अक्सर बेटा मैंने देखा है कि गर्ल्स के साथ भी इवन बॉयज के साथ भी ड्रॉप जब लेते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर कभी कभी आ जाता है या कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना आप अपनी सक्सेस जर्नी में कि आपने ड्रॉप का डिसीजन जब लिया तो आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी और फिर ड्रॉप के साथ आपने जो साल भर पढ़ाई की, घर पर रह के इतने अच्छे से पढ़ाई कर पाए आप, इतनी अच्छी रैंक आई, कॉलेज मिला, तो आपकी ओवरऑल सक्सेस जर्नी और एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बेसिकली मैंने 2020 में निमसेट का एग्जामिनेशन के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मेरा लास्ट ईयर बीसीए से ही मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। मैं लखनऊ से हूँ तो मैंने यहीं पे कोचिंग ज्वाइन करी थी, उसी से मैं प्रिपरेशन कर रही थी। एक्चुअली जिस कॉलेज से मैं हूँ वहाँ पे थोड़ा प्रेशर रहता है बीसीए के लिए, तो उतना ज़्यादा फ्री नहीं करते कि आप निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो कॉलेज से फ्री है तो सेल्फ स्टडी मैं कोचिंग जाती थी, सर बहुत एक्सलेंट पढ़ाते थे, पर घर आके सेल्फ स्टडी वगैरह जैसे रिवीजन वगैरह करना, टेस्ट होते थे तो उनका एनालिसिस वगैरह करना मैं उतना नहीं कर पाती थी। और जब मैंने बीसीए के साथ ही प्रिपेयर किया तो कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने उन फर्स्ट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एनालाइज की। जैसे कि पहला तो मैंने यही बोला कि जो सेल्फ स्टडी है वो मैं उतनी नहीं कर पाती थी। दूसरे सर मैं क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो फिर क्योंकि यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है एंड कोई भी कुछ भी देख सकता है उसमें, किसी भी सर को फॉलो कर सकता है। तो मैंने फिर आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया, मैं उनको तो फॉलो कर ही रही थी, साथ ही मैंने आपकी भी वीडियोस देखना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे चैनल्स को मैं फॉलो करने लगी। तो एक ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने एनालाइज किया कि हम लोग को लिमिटेड जो हमें पढ़ रहे हैं बस उसी पे लिमिट रहना चाहिए, हम किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए और जितना भी पढ़े। लाइक अगर मैंने चैप्टर वन की बात करूँ सेट्स, तो जैसे उसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, हर टॉपिक के क्वेश्चंस आप करो लिमिटेड करो बट बहुत नंबर ऑफ टाइम्स कर लो कि आप उसमें एक्सीलेंट हो जाओ। ये मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन करनी चाहिए और लास्ट मोमेंट पे मैं जब मुझे सब कुछ एकदम कलेक्टिवली खुद को स्ट्रॉन्ग करना था कि आज जो मैंने साल भर पढ़ा है वो मुझे अच्छे से आ जाए, तो वो नहीं हो पाया क्योंकि मैंने बहुत कुछ कंटेन करके रखा हुआ था। और तीसरी तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक कि मैं टेस्ट देती थी बट एज सच मैंने बोला कि मैं घर आके सेल्फ स्टडी नहीं कर पाती थी, तो एनालाइज मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी, जो टेस्ट में देती थी उसका एनालिसिस मैं बिल्कुल नहीं करती थी। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से मेरी 703 रैंक आई। और फिर मैं आपकी वीडियो तो देखती थी यूट्यूब पे, तो सर बेसिकली जो मेरे सर थे कोचिंग वाले मैं उनसे उतना ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाती थी, पर फिर जब मैंने आपको देखा, आपने अपना मोबाइल नंबर यूट्यूब पे दे रखा था, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग कि आप सामने से बोल रहे हो कि सब लोग आपकी हेल्प ले सकते हैं, आपने अपना नंबर दे रखा है, तो फिर मैंने आपको कॉल किया जब मेरी रैंक आई, तो आपने मुझसे बोला कि ज्वाइन कर लो, बट सर मुझे मेरी फाइनेंशियल उतनी अच्छी नहीं थी, मैं पापा को फिर से नहीं बोल सकती थी कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो वो तो क्लियर था बट टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी थी मुझे। तो सर इस बार मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। सर इस बार मैंने हैंड रिटन वर्क बहुत किया है, मतलब मैंने सबसे पहले नोट्स बनाए, उस पे वर्क किया, अच्छे से नोट्स बनाए, फिर मैंने लिमिटेड क्वेश्चन किए, आरडी शर्मा बुक से मैंने क्वेश्चंस किए, उनके क्वेश्चंस किए, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, उसके मैंने टेस्ट सीरीज के इस बार एनालिसिस बहुत अच्छे से किया। सर मैंने बहुत सारे रजिस्टर सिर्फ एनालिसिस के लिए भर दिए, आपने जो भी टेस्ट देते थे उसका एनालाइज मैं प्रॉपर करती थी, एक रजिस्टर मैंने बनाया और फिर मैंने निमसेट 10 इयर्स जो प्रीवियस थे उनका भी एनालिसिस किया और मतलब मैंने बहुत सारे रिटर्न करती रही। तो ये सब चीजें कि एनालिसिस प्रॉपरली किया, लिमिटेड सोर्सेस से पढ़ा, और फिर जब सर मैं मतलब एक ये चीज कहना चाहूंगी कि हम लोग 100% अपना देते हैं पूरा साल, लेकिन बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जो
एट द टाइम ऑफ पेपर जब हम पेपर देने जाते हैं तो बहुत नर्वस हो जाते हैं, और इसकी वजह से मेरे साथ ये पिछली बार हुआ था कि हम बहुत नर्वस हो गए थे. इस बार से मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं पॉजिटिव रहूं. मैं मम्मी पापा के साथ गई थी पेपर देने, तो खुद को बहुत मतलब सोच रही थी कि मेरे साथ मम्मी पापा दोनों जा रहे हैं तो बहुत अच्छा ही होगा पेपर. और सर आपकी भी वीडियो देखी थी, आपने जो जो इंस्ट्रक्शन बताए थे कि 15 मिनट्स पहले पहुंच जाना, सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना, सब फॉलो कर रही थी और बहुत हैप्पीली वहां पे बैठी जाके अच्छे अच्छे थॉट सोच रही थी. तो सर ये सारी चीजों ने इतना हेल्प किया मुझे, और बस इसी सब की वजह से मेरी जो रैंक है. वेरी गुड तनिषा, आपने बहुत अच्छी कुछ बातें बताई. कई लोग है ना ये चीजें नहीं बताते. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, इसमें इतना कुछ है पढ़ने के लिए, इतना कुछ जिसकी हद नहीं है. बट अगर हम सब पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे. तो ऐसा होता है कि कई बार जब बच्चे इम्पिटस ज्वाइन करते हैं तो मुझे वो बताते हैं कि हम एक ही टॉपिक को कम से कम 10-10 जगह पे पढ़ लिया, कि सेट पढ़ रहे हैं तो मुझसे ही पढ़ लिया, कहीं और भी पढ़ लिया, कहीं और भी पढ़ लिया. उससे सिलेबस भी खत्म नहीं होता और दूसरा हम डिस्टर्ब रहते हैं. अब देखो जब आपने प्रॉपरली ज्वाइन करके पढ़ाई की नेक्स्ट ईयर और आपने पेपर एनालिसिस किए, इधर उधर नहीं भटके, तो आपको उसका फायदा मिला. तो ये जो आपने मैसेज दिया ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई जगह पे या कई चीजें फॉलो करते हैं फिर कंफ्यूज बने रहते हैं कि क्या करें. तो ये काफी इम्पोर्टेंट बात है. अच्छा जब आपने ड्रॉप लिया था तो आपको कोई प्रेशर किसी तरह का? नहीं सर, प्रेशर तो था मुझे, बट आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली मुझे. मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ड्रॉप ले सकती हूँ. मुझे फर्स्ट ही बार में क्लियर करना था. एक्चुअली मेरे घर पे उतना नॉलेज नहीं है NIT वगैरह NIMCET पेपर के लिए, तो पापा तो पहले अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि मैं बाहर जाके पढ़ूँ. तो फर्स्ट ईयर में इतनी मुश्किल से मैंने फीस सबमिट करवाई, मतलब जो मैंने फर्स्ट बार प्रिपरेशन करी थी कोचिंग में, तो सेकेंड बार तो बिल्कुल भी नहीं. तो लेकिन मैंने आपसे बहुत मोटिवेशन ली और फिर मैंने पक्का डिसाइड कर लिया कि मुझे लेना तो है ही ड्रॉप, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने फिर ड्रॉप लिया. बिल्कुल सही बात बोली तनिषा कि जब हम कुछ कर सकते हैं और हम में क्वालिटी है तो ये क्या, ये साल कहने को ड्रॉप है पर ये आपका सबसे बड़ा लाइफ का इन्वेस्टमेंट है. ये आपकी लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो आपको आगे तक काम आने वाला है. तो ये बिल्कुल सच बात है. बहुत अच्छा लगा तनिषा आपसे बात करके. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे ही आगे बढ़ो. और वो लोग जो कि मिसगाइड हो जाते हैं या डिमोटिवेट होते हैं उनके लिए आप एज अ मोटिवेटर का काम जरूर करो. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू बेटा.